अगली खबर है नवरात्र के त्योहार से जुड़ी हुई, जहां नवरात्र के पावन महीने में मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में मंदिर परिसर में कुछ अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध कब्जा करके गंदगी फैलाने का काम किया जा रहा है। मामला रीवा जिले के हरमना तहसील अंतर्गत खटखरी ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 का है, जहां नेशनल हाईवे के समीप स्थित शिव मंदिर परिसर में अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध निर्माण कर लिया गया है और मंदिर परिसर में गंदगी फैलाई जा रही है, जिस पर शिकायतकर्ता के द्वारा कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। खटखरी ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 में स्थित शिव मंदिर परिसर में दो व्यक्ति के द्वारा भूमि नंबर 3609 पर अवैध निर्माण कर लिया गया है, जिस पर मंदिर परिसर में मल मूत्र सहित कई प्रकार की गंदगी फैलाई जा रही है, जिस कारण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में स्थानीय निवासियों के द्वारा रीवा कलेक्टर से लेकर संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण शिकायतकर्ता दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है एवं राजनैतिक दबाव में आकर स्थानीय प्रशासन मंदिर परिसर से अतिक्रमण नहीं हटा रहा है, जबकि शिकायतकर्ता के द्वारा जब बार बार शिकायत की गई तो पटवारी को भेजकर जमीन की नाप करवाई गई थी, जिस पर पटवारी के द्वारा यह बताया गया था कि उक्त भूमि पर अवैध निर्माण किया गया है, जो कि मंदिर परिसर की भूमि है। इसके बावजूद प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कार्यवाही न होने की वजह से स्थानीय निवासियों सहित शिकायतकर्ता दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो रहे हैं, जबकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द अतिक्रमण नहीं हटा तो वह लोग सड़क पर आने को विवश हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। यह है कि वहाँ मंदिर परिसर में जो है तो दो लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, लगभग 11 डिसमिल जमीन है और उसमें माननीय विधायक जी भी उसमें मतलब आए थे और वो तहसीलदार साहब को और पटवारी साहब को ना सीमांकन करने के लिए बोले थे और उसके बाद कलेक्टर साहब के पास भी आवेदन जा चुका है और तहसीलदार जी के पास भी आवेदन जा चुका है और माननीय SDM साहब के पास भी आवेदन जा चुका है। सीमांकन पटवारी जी यहाँ से कर चुके हैं। अब इसका प्रतिवेदन तहसीलदार साहब को जानी थी, अब गई कि नहीं कि इसका मालूम हमें नहीं है। बाकी 11 डिसमिल जमीन मंदिर परिसर के अतिक्रमण में है, उसे हम लोगों के द्वारा भी आवाज़ उठाई गई और यह कहना है कि उसको तो वहाँ का मंदिर परिसर जितनी जगह है उसे हमें साफ चाहिए, उस मंदिर परिसर को बाउंड्री करानी है पंचायत के माध्यम। हाँ, उनके बगल जस्ट मंदिर परिसर में जो अतिक्रमण किया गया है उसमें मल मूत्र और लेटरिंग वगैरह बनाई गई है, जिसका गंदगी जो है तो मंदिर परिसर में आता है और गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ के जो नागरिक हैं वो पूजा करने में उनको दिक्कत होती है। धन्यवाद।